देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। शाना, ड्राइवर सीट के जो बगल में बैठा है वो कौन है? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि प्राण ले जाने वाला इंसान जो होता है ना, यमराज की छोटी बहन वैसी लग रही है। बट देखो देखो रणबीर, तुम ना मुझे अपने झगड़े में बिल्कुल इन्वॉल्व मत। अरे झगड़े में नहीं, सकल देखो, सच में ऐसा लग रहा है। सच में मैं एक बात बोलूं? हाँ। सच में अगर हम बात करें तो सच मैं भी बोल सकती हूँ, और सच ये है कि मैं तो तुम्हें कभी अच्छी लगी ही नहीं, है ना? मेरी तो हर बात से प्रॉब्लम है तुम्हें। मेरे दिखने में, बोलने में, चलने में, लगने में, बिहेवियर में, सब में बहुत प्रॉब्लम है। मुझे तो कुछ नहीं आता, क्योंकि सब कुछ पता है किसे आता है? तुम्हारी प्यारी रिया को। उसमें एटीट्यूड है, स्वैग है, ब्यूटी है, इंटेलिजेंट है। एक काम करो, उसे ही बिठा लो अपनी बगल में और अपने सर पे। और कल भी एक तुम ही हो जिसका कमेंट अलग था। क्या कहा तुमने? बुरी लग रही हूँ। देखा देखा, गाड़ी रोक दी। मुझे पता है क्या बोलने वाले। मत बोलो, मैं बोलती हूँ। अब बोलोगे गाड़ी से उतर जाओ मेरे। जरूरत नहीं बोलने की, आत्मसम्मान है मुझ में, उतर रही हूँ मैं। ये खोला तुम्हारा सीट बेल्ट और तुम्हारी ये डब्बा गाड़ी ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे अरे प्राची, अरे यार सुनबी, अरे रब्बा, अभी लगता है रोड पे हंगामा करेंगे दोनों। प्राची, अरे मेरी बात सुनो यार। प्राची लिसन टू, मेरी बात सुनो। हाँ छोड़ो मेरा, छोड़ो छोड़ो। तुम पहले मुझे एक बात बताओ, किस किसने तारीफ करी तुम्हारी? किस किसने नहीं बोला, एंगेजमेंट वाले दिन भी सबने कहा मैं अच्छी लग रही हूँ, ये कपड़े मुझ पे अच्छे लग रहे हैं, गहने पहने वो अच्छे लग रहे हैं। सब झूठ बोल रहे थे प्राची। झूठ ही सही, तुमसे तो झूठ भी नहीं बोला गया। एनीवे मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, क्योंकि मैं तो अच्छी नहीं लग रही थी ना, मुझसे तो बात ही मत करो। नहीं, तुम अच्छी नहीं लग रही थी, तुम बहुत अच्छी लग रही थी या एक प्रिंसेस के जैसी लग रही थी। तुम कवर अप कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल कवर अप नहीं कर रहा, आदत ही नहीं है कवर अप करने की। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम आर्यन से पूछ लेना। तुम्हें पता है तुम्हें सबने झूठ बोला, तुम्हें सच सुनना है तो मुझसे सुनो। तुम्हारी जो साड़ी थी ना वो अच्छी नहीं थी, जब साड़ी तुम्हारे ऊपर आई ना तो बहुत अच्छी हो गई। तुम्हारा वो जो नेकलेस था वो ऐसे ही था, लेकिन जब तुमने पहना ना गले में तो उसके ऐसे शान बढ़ गई, मिलियन डॉलर का हो गया एकदम से। चीज़ों से कभी तुम नहीं बनती, तुमसे चीज़ें हैं। हाँ, और अगर तुम्हें मेरी ये मिलियन डॉलर वाली बात जो है झूठ लग रही है तो शायद तुम मुझे समझ ही नहीं पाई। ऐसा था तो फिर क्यों नहीं कहा तुमने कुछ? अगर तुम एक बार देख लेती ना मेरी आंखों में, ना मुझे तुम्हें बताने की जरूरत पड़ती, ना तुम्हें पूछने की जरूरत पड़ती। कुछ चीजें कहीं नहीं जाती, बस थोड़ी महसूस की जाती है। अब तुमने महसूस ही नहीं करी, तुम्हारी गलती। दया, तुम्हारी बहन ना सिस्टू मचा रहे। तुम लोगों को पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों ना नॉर्मल कपल की तरह हो ही नहीं, हमेशा आग बगुला रहते हैं, है ना? क्या क्या कहा तुमने? अरे आग बगुला यार, जो बहुत गुस्से में रहते हैं वो आग बगुला, वो अरे आग बगुला नहीं, आग बबूला कहते हैं। अरे यार बगुला हो बबूला हो क्या फर्क पड़ता है, मतलब समझ गए ना तुम? हमेशा गुस्से, व्हाट्स अ प्रॉब्लम? ये ना आग बगुला पर्सन क्यों है अंदर से? ए प्राची बैठो यार। नहीं बैठना। मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने एग्जाम में पास हुई थी क्या स्कूल में? क्यों? क्योंकि इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, चाहे कितनी तेज जाए मेरी गाड़ी इसको पकड़ लेगी। अरे यार प्लीज बैठ जाओ, कितना और नहीं चल सकता मैं। कितनी बार बोला है मुझे यार मत बोला करो। मैं ये गुस्सा ही तो इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे तुम? देखती रहो तुम। क्या क्या क्या, रोड पे चल रहा हूँ ये भी ना चलूं? दिख रहा है मुझे, मेरा पीछा मत करो। तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम देखो तुम्हारे बगल में चल रहा हूँ मैं। मुझे तुम्हारे साथ ही चलना। पर मुझे तुम्हारे साथ चलना है तो यहाँ पे किसी एक की चलेगी और मेरी चलेगी। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी शादी होगी ना, डोली लेके जा रहा हूँ तुम्हारे घर। उतारो मुझे, उतारो। नहीं उतारूंगा, उतारो, अंजाम बुरा होगा, उतारो मुझे। कोई नहीं, इससे बुरा क्या ही होगा अंजाम। चलो नोच लूंगी मैं तुम्हें। निकालो मुझे। शाना बचाओ मुझे, शाना बचाओ। वेरी गुड, दरवाजा खोलती हूँ। वेरी गुड, शाना की बच्ची, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। घुसो अंदर, घुसो। तुम दोनों मिलकर सही नहीं कर रहे हो मेरे साथ। बिल्कुल सही कर रहे हम। चुपचाप यहाँ बैठो। शाना हेल्प मी, पकड़ो इसको, कंट्रोल करो इसको। प्राची तुम दोनों किडनैप करे हो ना मुझे, मैं कंप्लेंट करूंगी। करो, जाके कंप्लेंट करो, जो करना करो। अब बैठो चुपचाप, दरवाजा बंद करो, हाथ संभाल के।
मैं देखती हूँ कैसे ले जाती जबरदस्ती मुझे। शाना, हाँ चुप, चुप। तुम जैसी चाइल्ड के लिए मैंने चाइल्ड लॉक लगा दिया। बिल्कुल सही कह रणवीर। ऑफ कोर्स मैं हमेशा सही करता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे गलत समझते हैं हमेशा। कुड़कर, तुझे मेरी मदद चाहिए? अरे मना क्यों कर रही है, पागल हो गई है? वो तुझसे प्यार करता है। बीजी, वो वही लड़का है जिसने पूरे घर को लूटने की कोशिश की, आप तो सब जानते हैं। उसने जो भी कुछ किया ना, वो तेरे लिए किया, उसे तेरी फिक्र है, इसलिए वो हम सबसे लड़ गया। अरे आगे इसे क्या हुआ? वही हमेशा की तरह मुंह फुला के बैठी हुई है। क्यों, क्या हुआ? लेकिन अरे मैडम को ना रोड पे चलने का बहुत शौक था, गाड़ी से निकल के चलने लगी। मैं गया भाग के, मैंने बोला मत जाओ गाड़ी में बैठ जाओ, पर नहीं मान रही थी। और आपको पता तो है कितने टैंटर्म से, कितने नखरे हैं इसके, नखरे दिखाई जा रही थी। पर मैं जबरदस्ती करके गाड़ी के अंदर बिठा लिया इसको। अब ये चाहे कितने भी टैंटर्म दिखाए, लेके तो आना है ना, मुझे अपनी ड्यूटी पूरी तो करनी है, मैंने वही कर ली। और देखिए कैसे मुंह फुला के बैठी हो। प्रिया देखो, इसे कहते हैं प्यार। कोई प्यार नहीं है कुछ भी। अरे कुछ भी कुछ नहीं। अच्छा मैं थोड़ी है ना इसकी लव स्टोरी सुधार रही हूँ, थोड़ी सी डावाडोल हो गई है। रुको तुम दोनों। अब देख, रणबीर ने जो कुछ किया ना, वो इसे पसंद नहीं आया प्राची को, इसलिए वो गुस्सा हो गई। दीदा, कोई अगर आपको जबरदस्ती उठा के गाड़ी में ऐसे पटक दे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, मुझे तो प्यार आएगा। सिर्फ बिठाया नहीं है, चाइल्ड लॉक लगाया ताकि मैं बाहर ना निकल सकूं। I mean, this is too much. मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैं बता नहीं सकती कितना। मुझे तो लेकिन फिर भी बहुत प्यार है। हम तुम एक कार में बंद हो और चाइल्ड लॉक लगे जाए। तुझे क्या हो रहा है, तू बड़ी दांत दिखा रही है। अरे अरे अरे, तुम दोनों लड़ो मत। मुझे है ना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने दो। क्या है ना, उम्र हो गई है ना, थोड़ी सी याददाश्त कमजोर हो गई है। देख प्रिया, इसे कहते हैं प्यार। अब लेकिन है ना प्राची है ना आजकल तेरे जैसे बिहेव करने लग गई है। अब क्या है ना, रणवीर ने जो कुछ किया उसके भले के लिए किया, उसे पसंद नहीं आया। वैसे ही तेरे बॉयफ्रेंड ने जो कुछ किया तेरी अच्छाई के लिए किया, तुझे पसंद नहीं आया। लेकिन है ना, यही तो बात थी। हाँ, तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता था। तरीका नहीं बीजी, इनकी तो बात ही अलग है। अरे क्या अलग है बेटा, तेरे बॉयफ्रेंड ने जो किया ना तेरे आत्मसम्मान के लिए किया, और रणबीर ने जो किया इसकी भलाई के लिए किया। लेकिन तुम दोनों को तरीका पसंद आया, लेकिन उन दोनों का मकसद एक ही था। हम जिससे भी प्यार करते हैं ना, उसका मकसद नहीं उसकी नीयत देखते हैं। शायद आप सही कह रही है बीजी, मैं राहुल के दिल की बात समझ ही नहीं पाई, बस उसका एक्शन देख के उससे अलग होने का डिसीजन लेने लगी। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी तरीके समझाया। सही कहते हैं लोग, अगर हम एक दूसरे के दिल की बात जानने लगे तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। शायद इसलिए कहते हैं घर में बड़े बुजुर्ग का होना कितना जरूरी है। थैंक यू सो मच, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। अच्छा तो अब तुम दोनों बताओ क्या बात है, क्या हुआ है? अब दीदा, प्रिया अपने बॉयफ्रेंड से अलग होना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड ने गलत किया। क्या बात, आप तो सीधा दादी से लव गुरु बन गए। आपने प्रिया की लव स्टोरी टूटे से बचा ली। वेरी नाइस। अभी इन दोनों को बचाना है। अरे रुक प्राची, रुक, कहाँ जा रही है? जाने दो उसको, उसको पता है कि वो गलत है, वो मुंह छुपा के जा रही है, जाने दो। मैं गलत नहीं हूँ, मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या चाहिए इस दुनिया से। मुझे क्या चाहिए इस दुनिया से और तुमसे क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हर बात पे इरिटेट ना हो यार। ठीक है, वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, तुमसे दूर रहना पड़ेगा। अरे दीदी, आपको वो पल्लवी मैम बुला रही थी। प्राची जी बैठो। ये तुम्हारे लिए। ये इतनी हैरान क्यों लग रही हो तुम? ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया, तुम जानती हो क्यों बनवाया?
जानती हूँ पर ये... अब तो मैं शॉपिंग तो भेज नहीं सकती, उतना टाइम ही नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। I'm sure तुम्हें पसंद आएगा। पर ये मैं किस ओकेजन पे पहनू? कल तुम्हारी मेहंदी सेरेमनी है, यही पहनोगी तुम। उसके बाद कुछ दिनों में दिवाली है एंड देन तुरंत तुम्हारी शादी। आर्यन, तू इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया यहाँ पे? मैंने तो गाड़ी में छोड़ा, उसके बाद तूने चॉपर वॉपर ले लिया क्या? अरे नहीं यार, क्या हुआ ना कि पहले अपनी वो रिया उतर गई, उसके बाद वो जो अपना रोतलू है मिस्टर परेशान, वो भी उतर गया। मैंने सोचा कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, तो बस मैंने तुम्हारी गाड़ी को बनाया चॉपर सीधा यहाँ। बहुत सही किया तूने, अब बैठना। क्या बात है भाई, मेरी राइड तो फन रही, तेरी को क्या हुआ है? कुछ लड़ाई बड़ाई हुई क्या प्राची से? नहीं, मैं तुझे बताऊंगा ही नहीं प्राची के बारे में कुछ। क्यों नहीं बताऊंगा यार? फिर तू बोलता रहता है मेरी बहन नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, तू ऐसा करता है, तू वैसा करता है। दादा तू मेरी बहन करेगा तो मेरा मन नहीं करता मेरे को मेरा भाई बोलने का। यार भाई ऐसे मत कर यार मेरे भाई, सॉरी सॉरी। देख मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुझे आगे से, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि तू परेशान क्यों है, क्या मूड क्यों है, क्या हुआ? यार शादी हो रही है तो पता ही है ना कि शादी हो रही है, एंगेजमेंट तूने करवाई तो शादी तो होगी। मैंने क्या करवाई, मैं क्या पंडित जी था वहां पे बैठ के एंगेजमेंट करवा रहा था। इनफैक्ट मैं तो चाहता था कि यार देख मैं मानता हूं कि मैंने कहा था शादी के लिए, बट कहना और चाहने में बहुत फर्क है यार। मतलब मैंने जब से बोला है ना कि हाँ शादी कर लो, तब से पूरा परिवार ने तो ऐसे हाँ बोल दिया जैसे वो चाहते थे कि सिट की शादी हो जाए। सब चाहते थे लेकिन नाम मेरा आ रहा है। पॉइंट तो है भाई। पॉइंट नहीं है, शादी है, शादी इज अ बिग डील यार। और ऊपर से कल मम्मी मेहंदी का फंक्शन करा रही है प्राची का, और एक बार सिड के नाम की मेहंदी लग गई ना प्राची के हाथ में तो मेरा क्या होगा? आइडिया, अरे मेरे भाई से ओ नहीं 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 ये तो नहीं हो पाएगा ब्रो। अबे ऐसे कैसे नहीं होगा, सब होगा यार, तू ट्राई तो कर। नहीं मुझसे नहीं होगा ये। देख अगर नहीं होगा ना तो फिर शादी हो जाएगी। अब सोच ले। नहीं करना पड़ेगा। हाँ करेंगे डेफिनेटली करेंगे। होगा। अरे क्या हुआ, पल्लवी आंटी ने क्यों बुलाया था तुझे? ये देने के लिए मेहंदी की ड्रेस। वाओ, मतलब पल्लवी आंटी तो कुछ ज्यादा ही सीरियस थे रिश्ते के लिए, उन्होंने ड्रेस भी दे दी। हाँ उनकी ये जो सीरियसनेस है ना वो देख के मैं सीरियस हो रही हूँ, मुझे ना डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा जब उन्हें पता चल जाएगा। मैं तो उससे शादी करना ही नहीं चाहती। क्या होगा का मतलब क्या होगा? अरे उन्हें अच्छा ही लगेगा कि जब उन्हें पता चलेगा कि तू सिद्ध से शादी नहीं करना चाहती, तो उनके बेटे से अभी भी प्यार करती है और उस प्यार की एक निशानी भी है तेरा और रणबीर का बच्चा। और जब तू ये सब साबित कर देगी ना कि कैसे रिया और आलिया भूजी ने सिद्ध की बहन मीका को किडनैप किया है, बस एक बार ना पता चल जाए कि ये मीका का है, फिर ना सारी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। और तू टेंशन मत ले, क्यों ले रही है टेंशन? आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म कि मसाज का जो टाइम है वो सेम है या कुछ चेंज हुआ है? नहीं, जो टाइम अपॉइंट हुआ था वही है। यू नो, हमें रिया को ना रंगे हाथों पकड़ना है, कुछ करते हुए पकड़ना है। क्या? देख वो डीप टिश्यू मसाज तो लेने ही वाली थी, डेफिनेटली लेने गई होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था ना, लेकिन वो नहीं आई, इसका मतलब वो मसाज लेने गई है। चल हम भी वहां चलते, वो वहां मिल जाएगी। चल पर मैं इसे कहां ले जा रही हूँ, मैं भी पागल हूँ। प्राची ये बता, तुझे एड्रेस पता है? हाँ फोन नंबर है ना, पता कर लेंगे। तो चल ठीक। वहां थैंक यू।
रिया कहाँ है? मैं वही हूँ जो बार बार आपको फोन करी थी ना एड्रेस के लिए, रिया कोहली की असिस्टेंट। ओ अच्छा, तो आप वही हैं जो एड्रेस पूछ रही थी। हाँ, तो कहाँ है रिया मैम? वहाँ। वो रिया ही है ना? अब तो कोई डाउट ही नहीं रहा। चल प्राची, तुम भी मेरी तरह यहाँ मसाज कराने आई हो? और तुम तो प्रेग्नेंट हो ना प्राची? प्रेग्नेंट औरतें मसाज नहीं कराती, राइट? यस। प्राची के साथ मैं भी तो हूँ। आपने मुझे नहीं देखा? प्राची नहीं, मैं मसाज कराने आई हूँ। आई थिंक हम गलत रूम में आ गए। प्राची को मैं अपने साथ लेकर आई हूँ क्योंकि मैं मसाज कराते कराते ना बोर हो जाती हूँ, तो मुझे लगा प्राची होगी तो हम कुछ बातें कर लेंगे। वैसे आप यहाँ अकेली आई है, आपके साथ कोई नहीं आया, आप बोर नहीं होती क्या? मैं अकेले बिल्कुल भी बोर नहीं होती। कोई बात नहीं, अगर आप बोर हो ना तो प्लीज मुझे बुला लेना, बिल्कुल बोर नहीं करूंगी मैं। चल निकलना है, कम ऑन क्विक। वैसे बूजी, आपको कैसे पता था कि वो दोनों यहाँ आने वाले हैं? यह अभी बात करने का टाइम नहीं है, घर जाके बात करें, इट्स नॉट सेफ आउट हियर। रिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली थी, राची को इस पे डाउट होने लगा है। वो फुरिया ही है ना? ये कैसे हुआ? बस उची प्लीज, आज मुझे मत रोकना। दिन भर जो मैंने प्रेशर लिया है ना, उसके आगे इतनी सी वाइन कुछ भी नहीं है। आई थिंक आई डिजर्व दिस। फाइन, पी लो, आज तो सेलिब्रेट करना बनता है। किस्मत भी कभी कभी साथ देती है, तो किस्मत के नाम भी पी लो। वैसे टुडे यू बीन वेरी वेरी लकी। दैट्स ट्रू बूजी, लक वाज कंप्लीटली ऑन माई साइड आज भी और कल भी। कल से आपने मुझे दो बार बचाया है। कोइंसिडेंस था रिया, मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना कि वो दोनों तुम्हें स्पा में पकड़ने वाली हैं। हाय, मैं रिया मैम की असिस्टेंट बोल रही हूँ, रिया कोहली की। या उनकी अपॉइंटमेंट है ना, उसके लिए एड्रेस कंफर्म करना था आपके स्पा का। जैसे ही मैंने प्राची को ये कहते हुए सुना कि वो तुम्हें पकड़ने वाली है, मैं पीछे के रास्ते से भागी हूँ ताकि वो दोनों तुम्हें वहां पर पकड़े ना। और क्या टाइमिंग थी बूजी आपकी, You're just brilliant. मैं जैसे ही मसाज रूम में आई, आपने मुझे वहां से हटाया और खुद वहां बैठ गई। अरे पहले तो मैं कंफ्यूज थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था आपने ऐसे क्यों किया। But then it all made sense. जब मैंने प्राची और शाना को वहां देखा तो मुझे समझ आया कि आपने मेरी जगह क्यों ली थी, ताकि प्राची को ये लगे कि वो मसाज
आपने अपने लिए बुक की. It all made sense. Pooji, you're just brilliant. Time के साथ साथ ना आप और भी निखरती जा रही हैं. Just like fine wine. Cheers. Cheers. And you know what, Pooji? अब प्राची और शाहना सोचते रह जाएंगे कि वो सोच क्या रहे हैं और देख क्या रहे हैं. It's just so confusing. It's not making sense. भी हम रहे हैं और सर उनका घूम रहा होगा वहां पर. Cheers.